दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों आज हम आपको दूध और शहद को साथ पीने के फायदों के बारे में बताएंगे। दूध और शहद दोनों ही शरीर को बल प्रदान करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने 15 दिन तक इन दोनों का सेवन कर लिया तो आपको ऐसे कमाल के फायदे होंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम सभी जानते हैं कि दूध पीने से सेहत में कितना निखार आता है, लेकिन गर्म दूध पीने से हमें क्या लाभ पहुंचता है ये बहुत कम लोगों को पता है। और इस गर्म दूध में अगर शहद मिल जाए तो यह एक औषधि से कम नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि गरम गरम दूध में शहद मिलाकर अपने आहार में रोजाना शामिल करने से सेहत को कौन से फायदे मिलते हैं। दूध में अधिक मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी और डी के अलावा कैल्शियम, प्रोटीन और लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर शहद में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाया जाता है। शहद में पोटेशियम होता है जो रोग के कीटाणुओं का नाश करता है। कीटाणुओं से होने वाले रोग जैसे आंतरिक बुखार, ब्रांको निमोनिया आदि अनेक रोगों के कीटाणु शहद से खत्म हो जाते हैं। यदि किसी मनुष्य की त्वचा पीली है तो इसका कारण होता है खून में आयरन की कमी होना। शहद में लोह तत्व अधिक होता है। सुबह शाम भोजनोपरांत नींबू के रस में शहद मिलाकर अथवा दूध में शहद मिलाकर सेवन करना लाभकारी होता है। शहद में 50% ग्लूकोज, फर्कटोज 37%, सुक्रोज 20%, माल्टोज 20% और इतना ही ड्रेक्सट्रिन्स, गोंद, मोम, क्लोरोफिल और सुगंध के अंश होते हैं। विटामिन ए, B6, B12 और थोड़ी मात्रा में विटामिन सी भी होता है। शहद खाने में मधुर लगता है। इसमें शरीर के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ मैंगनीज, लोहा, तांबा, सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, गंधक, कैरोटीन और एंटीसेप्टिक तत्व आदि पाए जाते हैं। जब दूध और शहद के तत्व मिलते हैं तो यह एक औषधि बन जाते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं गर्म दूध और शहद मिलाकर पीने के फायदों के बारे में। नंबर एक, मानसिक तनाव। अगर आप तनाव में हैं तो आपके लिए दूध और शहद काफ़ी फायदेमंद हैं। इसके लिए गर्म दूध में शहद मिलाकर पिएं, जिससे आपकी तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका तंत्र को आराम मिलेगा और आप तनाव से निजात पा जाएंगे। नंबर दो, कैंसर। जो कैंसर से पीड़ित हैं या फिर जिनके दांत कमज़ोर हैं और खाने को ठीक से चबा कर नहीं खा पाते, उनके लिए गर्म दूध और शहद का सेवन काफ़ी फायदेमंद है। यह एक ऐसा आहार है जो हमारे शरीर में जाकर हर कमी को पूरा करता है। नंबर तीन, पाचन शक्ति। इसके लिए आप एक गिलास दूध में एक चम्मच शहद मिलाकर पिएंगे। इससे आपकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि कुछ भी खाओ आसानी से पच जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मिश्रण से अच्छे बैक्टीरिया पेट में चले जाएंगे और नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणुओं को समाप्त कर देते हैं। नंबर चार, बलवान। अगर आप दूध में शहद मिलाकर पीते हैं तो जो गर्मियों के दिनों ताकत कम हो जाती है वो वापस लौट आती है, क्योंकि दूध में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो शरीर की शक्ति को बढ़ाता है। नंबर पाँच, कब्ज। आजकल कब्ज होना एक आम बात हो गई है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप सुबह खाली पेट गुनगुने दूध में शहद मिलाकर सेवन करें। इससे कब्ज पूरी तरह समाप्त हो जाती है। नंबर छः, अच्छी नींद के लिए। अगर आपको रात को सुकून भरी नींद नहीं आती है तो आप रोजाना रात को सोने से पहले दूध में शहद मिलाकर सेवन करें। इससे आपकी नींद ना आने की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर सात, हड्डियां मजबूत।
दूध में पाए जाने वाला कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए फायदेमंद है। इसके लिए दूध के साथ शहद का सेवन करें। इसका सेवन करने से हड्डियों में कोई नुकसान हुआ हो तो उसकी भी भरपाई करता रहता है। नंबर 8, दिमागी ताकत। यह आपके शारीरिक और मानसिक क्षमता के लिए काफ़ी फायदेमंद है। क्षमता बढ़ने का सीधा असर आपके काम पर पड़ता है, जो कि सकारात्मक ही होता है। नंबर 9, थकान भगाए एनर्जी दिलाए। दोस्तों, थकान को भगाने के लिए इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता है। गर्म दूध और शहद पीने से शरीर में दोबारा ऊर्जा भर जाती है। गर्म दूध और इसमें शहद डालकर अपने बच्चों को स्कूल जाते समय जरूर दें, इससे उनकी दिन की शुरुआत अच्छी हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।